ये 10 लोगों का काम नहीं है। तेरी पगार कितनी है तो बात कितनी करता है। सत श्री अकाल बाजी। क्या रे, कितना टाइम हुआ हमारे? 2 दिन हो गए। 2 दिन फिर भी लेके घूम रहा है बॉडी को। हाँ चला जाओ, दे जाओ दे, ए तुम चलो। ए बगा, क्या सूर्यवंशी की बेटी की मौत हो जाएगी? क्या प्लानिंग कर रहे हैं ATS टेररिस्ट को पकड़ने की? हेलो गाइस, मैं प्रणाम सिन्हा एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड, बेटर एंड बेस्ट। और हमें हमेशा बेस्ट ही रहना चाहिए। और आज एक बार फिर से मेरे हाथ लग चुकी है सूर्यवंशी 2 मूवी से जुड़ी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो बस देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि हमने आपको अपनी पिछले वीडियो में बताया था कि आतंकवादियों ने एक स्कूल को हाईजैक कर लिया है अपनी डिमांड पूरी करने के लिए, और ATS यानी वीर सूर्यवंशी की बच्ची भी उसी स्कूल में होती है। वैसे तो वीर सूर्यवंशी के लिए उसकी प्रायोरिटी देश और देशभक्ति ही है, लेकिन यहाँ वो असमंजस में फंस जाता है जब सरकार उसको कहती है कि हमें उस आतंकवादी का इनकाउंटर नहीं करना है, उसे जिंदा पकड़ना है। जहाँ सूर्यवंशी ये सोच रहा था कि वो पूरी हाई पुलिस फोर्स के साथ आतंकवादियों पर हमला करके उन्हें खत्म कर देगा, वहीं सरकार की इस डिमांड की वजह से वो लाचार हो जाता है। अब वो सीन दिखाया जाता है जहां आतंकवादियों ने होस्टेजेस को बंदी बनाए रखा है। उसी बीच किसी तरह आतंकवादियों के मास्टरमाइंड को ये पता चल जाता है कि ATS वीर सूर्यवंशी की बेटी भी इसी स्कूल में है और वो भी फंसी हुई है। अब यहाँ पे ये बात उन लोगों के लिए सोने पर सुहागा वाली बात हो गई, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर सरकार ज्यादा देरी करेगी उनके आदमियों को छोड़ने में या कोई भी चालाकी करेगी, तब वो ATS की बेटी को मार कर ये प्रूव कर देगा कि अगर उसके साथ कोई भी चालाकी की तो वो इसी तरह सारे स्टूडेंट्स और जितने भी लोग वहाँ मौजूद हैं सबको एक एक कर मार डालेगा, और सबसे पहले किसी की जान जाएगी तो वो जाएगी ATS की बेटी की। ये प्लान करने के बाद ये लोग अपनी बात सरकार तक रखते हैं, और जब ये बात ATS तक जाती है तब वो बहुत ही घबरा जाता है। और ये बात न्यूज में देखने के बाद मीरा भी दौरी दौरी स्कूल आ जाती है और वीर से कहती है कि अगर उसने इस बार अपनी फैमिली को पहले नहीं रखा या अपनी बेटी की जान नहीं बचाई तो वो खुद भी खुदकुशी कर लेगी। अब देखना यह है कि जहां हजारों लोग की जान को खतरा है वहां ATS किसे सबसे पहले निकाल के बचाता है। क्या बलि का बकरा बन जाएगी वीर सूर्यवंशी की बेटी, या फिर वीर अपने तेज तड़ार दिमाग से बचा लेगा सारे होस्टेजेस को? आपको क्या लगता है? आप अपने ओपिनियन हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें एंड सेफ रहें। बाय बाय।